तो बोलो कि देश ने बसाए दिया। आप डीसी हो कि मेरी आधोड़ी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के मौके पर बुजुर्गों के बीच पहुंची उपायुक्त प्रियंका सोनी के सामने गांव कसान निवासी 88 साल के बुजुर्ग ने अपनी समस्या रखी और कहा कि अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुनते। वे अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। एक कर्मचारी तो उससे 7,000 रुपए भी ले गया और इस पर उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बुजुर्ग से कहा कि ताऊ जी, मैं आपको आज डीसी का पावर देती हूँ, मेरी कुर्सी पर आप बैठोगे और सभी अधिकारी आपके सामने खड़े होंगे। आप जो भी अधिकारियों को आदेश देंगे उस पर अमल किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त बुजुर्ग शिव शरण को अपने साथ लेकर सचिवालय पहुंचे और उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद खड़ी रही। कुर्सी पर बैठते ही बुजुर्ग ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को आदेश दिए। कैथल उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी की इस पहल को देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। न्यूज़ डेस्क।